बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की पोर्ट सिटी के लिए आज की रात सबसे काली हो सकती है। किसी भी वक्त ब्लैक सी से ओडेसा पर मिसाइलों की बरसात संभव है और इन मिसाइलों के टारगेट पर ओडेसा से लेकर कीव शहर तक होगा। दरअसल ब्लैक सी में यूक्रेन के हमलों से पुतिन आग बबूला है। ज्यादातर अटैक ओडेसा से हो रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने हमलों के सेंटर पॉइंट को राख बनाने का आदेश दिया है। रशियन नेवी की तैयारी पूरी है। दावा है कि तबाही आज रात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ब्लैक सी की जंग अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। ब्लू वॉर जोन से रूस किसी भी वक्त यूक्रेन की पोर्ट सिटी को राख बना सकता है। आज की रात ओडेसा की सबसे काली और विध्वंसक रात हो सकती है। वजह है पुतिन का अड्डे गिराता। पुतिन इस शहर पर कई टन बारूद बरसाने का मन बना चुके हैं। रूस ज़ेलेंस्की के समुद्री क्षेत्र में सबसे बड़ी स्ट्राइक करने वाला है। ऐसी स्ट्राइक जो इन शहरों में जलजला ला देगी। रूस ओडेसा के सभी पोर्ट पर बड़े हमले करने वाला है। अटैक के लिए ब्लैक सी में रूसी नेवी के बेड़े तैनात हो चुके हैं। एक बेड़े को एक पोर्ट तबाह करने का टारगेट दिया गया है। खबर है कि ये हमले आज रात हो सकते हैं। दावा है कि रूस न सिर्फ ओडेसा को टारगेट करेगा बल्कि ब्लैक सी से कीव और आसपास के शहरों पर भी मिसाइल वर्षा की जाएगी, जिसका ट्रेलर भी अभी से देखने लगा है। ये डोनेस्क के कॉन्स्टेंटिनोपल का शहर की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने एक सुपरमार्केट पर KH-38 मिसाइल से हमला किया। मिसाइल अटैक से सुपरमार्केट का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, जबकि कई जगहों पर आग लग गई, जिसमें दर्जनों लोग फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हमले के वक्त 100 से ज्यादा लोग मार्केट में मौजूद थे, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हैं। दावा है कि यह हमला ब्लू वॉर जोन में किया गया था। अवदीपका के नेवलेस्कोए में भी रूस ने बमबारी की। यहां मौजूद एक चौकी को तबाह कर दिया, जिसके बाद एक सैनिक यहां झंडा लहराते हुए नजर आया। रूस के बड़े ऑपरेशन की वजह यूक्रेन की गुस्ताखी है। दरअसल 9 अगस्त को यूक्रेन ने रूस को 3 बड़े जख्म दिए थे। यूक्रेन ने रूस के लिपत्स्क एयरफील्ड, बेलबल एयरबेस और बेलगोरोद एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक किए, जिसमें रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा। इन्हीं यूक्रेनी हमलों का जवाब रूस आज रात देने वाला है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे ज़ेलेंस्की की फिक्र बढ़ गई है। रूस के हमले रोकने के लिए बीती रात ज़ेलेंस्की ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं। बैठक में यूक्रेन के आर्मी कमांडर अलेक्जेंडर सिर्स्की, वायुसेना प्रमुख माइकोला ओलेश्चुक और खुफिया विभाग के प्रमुख ओले इवाशेंकी मौजूद थे। इस मीटिंग में रूस के हमले को काउंटर करने के प्लान पर चर्चा हुई। मीटिंग में तय हुआ कि यूक्रेन रूसी हमले का जवाब उसी के अंदाज में देगा। ऐसे में यूक्रेन रूस पर बैक टू बैक हमले कर रहा है। ये ब्लैक सी की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन ने रूस के गैस प्लेटफॉर्म पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। इस हमले में 40 लोगों की मौत हो गई। ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक किया। इस मिलिट्री बेस को रूस ट्रेनिंग स्कूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। हमले में 20 रूसी जवानों की मौत हो गई। यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला माइकोलेव के किनबर्न स्पिट पर किया है।
समंदर किनारे के इस इलाके पर रूस का कब्जा है। यहाँ पुतिन के आदेश पर रूसी सैनिकों की नई टुकड़ियां तैनात की गई थी, जिन्हें यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर तबाह कर दिया। हमले के बाद इस इलाके में कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिक झंडा फहराते हुए नजर आए। दावा है कि इस हमले में रूस के 65 बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए, 28 टैंकों को रूस ने ध्वस्त कर दिया। समंदर किनारे मौजूद 5 नेवी बोट्स तबाह हो गईं, वहीं 55 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के इस बड़े हमले से साफ है कि ज़ेलेंस्की डर कर पीछे हटने वाले नहीं है। पुतिन अपने ऑपरेशन में जितनी ज्यादा देर करेंगे, यूक्रेन रूस को उतना ज्यादा डेंट देगा। ऐसे में संभव है कि पुतिन आज रात ही यूक्रेन की पोर्ट सिटी और कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।